नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो रेलवे द्वारा लाई गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेल कौशल विकास योजना। इस योजना को रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के लिए 10वीं पास पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। क्या है ये योजना और क्या होता है इस योजना के अंतर्गत, इस सब की सारी जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बताते हैं आपको कि रेल कौशल विकास योजना आखिर में है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रेल कौशल विकास योजना 10वीं पास की और इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। अब इसके लिए देखिए जानकारी यहाँ नीचे डिटेल में दी गई है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं को रोजगार योग्य कौशल सिखाने के उद्देश्य से रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। इसके लिए रेल कौशल विकास योजना के तहत भारतीय रेलवे के विभिन्न मंडलों में कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं। रेल कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद निःशुल्क रेलवे में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उद्योग में उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया कि रेलवे द्वारा एक प्रशिक्षण स्टार्ट किया जाएगा 10वीं पास छात्रों के लिए, जो रेलवे में सिखाया जाएगा। रेलवे के जितने भी कारखाने हैं उसमें बताया जाएगा, आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे आने वाले भविष्य में आपको रेलवे में नौकरी में छूट मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शिक्षा है, 50,000 युवाओं को 3 वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। 3 वर्ष के लिए ये जो प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाएगा 50,000 युवाओं को, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। 10वीं पास, ध्यान रखिए, 10वीं पास आप अगर हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन, वेंडर, मैकेनिस्ट एवं फिटर जैसे ट्रेड में प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ओपन एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपोर्ट शॉर्टलिस्टिंग मैकेनिज्म के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। आपका जो चयन होगा इस योजना के लिए, वो आपके 10th के मार्कशीट के और एडवर्टाइजमेंट और ट्रांसपेरेंट के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, तो इच्छुक उम्मीदवार जो जो आप अगर इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ नीचे आएंगे तो योजना का नाम दिया गया है PMKVY ट्रेनिंग प्रोग्राम रेल कौशल विकास योजना 2022। लगभग 50,000 युवाओं को इस योजना के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण अवधि जो आपकी होगी, जिसके अंतर्गत आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो 3 सप्ताह 18 दिन का होगा। ठीक है, रेल कौशल विकास योजना ट्रेड के अनुसार पाठ्यक्रम की जो सूची है, जो आपके ट्रेड के हिसाब से, जैसे एसी मैकेनिक है, बार बोर्डिंग है, भारतीय रेलवे, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इस पोस्ट का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से आपको जिस ट्रेड में आपको रुचि है उसका सारा डिटेल क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे आते हैं कि इसके लिए आवेदन करने की तिथि क्या है। तो इच्छुक उम्मीदवार जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो 7 सितंबर से 20 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, तो बेहिचक इस फॉर्म को, अगर आप 10वीं पास है तो बेहिचक इस फॉर्म को भरिए, आपको एक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा निःशुल्क। इसके लिए कोई आवेदन शुल्क आप देने की जरूरत नहीं है, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, मैं तो यही कहूँगा। और नीचे आइए, आयु सीमा, अगर आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता हमने बताया दिया कि अगर आप हाई स्कूल हैं तो इसके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बताते हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे फॉर्म को भरते हुए। मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर मार्कशीट पर आपकी जन्मतिथि नहीं लिखी है तब, ठीक है, उस स्थिति में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, स्कैन की गई फोटो और आपका सिग्नेचर, ठीक है। फोटो पहचान प्रमाण पत्र के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक या राशन कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हो आपको देना पड़ेगा। आपका 10 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर लगेगा हलफनामे के साथ, और साथ में चिकित्सा प्रमाण पत्र। अब नीचे आते हैं, फोटो और दस्तावेज अपलोड करने के दिशा निर्देश। जैसे कि आपको जो फोटो अपलोड करेंगे वो 10 KB से 200 KB के अंदर होना चाहिए। जो आपका सिग्नेचर होगा हस्ताक्षर, वो 4 KB से 30 KB के अंदर होना चाहिए। दस्तावेज जो आपका होगा 50 KB से 200 KB के अंतर्गत होना चाहिए। अब रेल कौशल विकास योजना का अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका चयन कैसे होगा। छात्रों का जो चयन होगा 10वीं कक्षा में प्राप्त आपके प्रतिशत अंक के आधार पर होगा। अगर आप CBSE से अपनी 10वीं कक्षा पास की है, तो आपका जो CGPA है उसको 9.5 से गुणा करने के बाद जो आपका प्रतिशत आएगा, उसके आधार पर आपका रेल कौशल विकास योजना में आपका चयन किया जाएगा। आप इसके लिए आवेदन कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे लिंक दे दिया है। अप्लाई ऑनलाइन का भी है, डाउनलोड नोटिफिकेशन का भी है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।